टाइम साउंड ऑफ भारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बड़ी खबर है राउत रेवेन्यू कोर्ट से, जहां पर अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई है। और इस पेशी के दौरान जब उन्हें अंदर कोर्टरूम की ओर ले जाया जा रहा था, उस दौरान नवभारत के रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे। उन्होंने ये सवाल पूछा एलजी के बयान को लेकर। उस दौरान केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया और ये कहा कि मेरे खिलाफ पॉलिटिकल षड्यंत्र रचा जा रहा है, जनता इसका जवाब देगी। दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट में पेशी, और ये तस्वीर आप देखिए, अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है, जब अरविंद केजरीवाल को राउत रेवेन्यू कोर्ट में अंदर गलियारे से होते हुए कोर्टरूम तक लेकर जाया जा रहा था। उस दौरान उनसे सवाल एलजी के उस बयान को लेकर पूछा गया, जिसमें एलजी ने नवभारत के मंच पर ही कहा था कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। सुनिए क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल। सर, एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी, व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे हैं सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सर, एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी, व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे हैं सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सर, एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी, व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे हैं सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सर, एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी, व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे हैं सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जब उन्हें अंदर लेकर जाया जा रहा था। और देखिए, दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुज जुड़ चुके हैं और साथ ही शिवानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले अनुज, आपके पास आता हूं। ये एक स्टेटमेंट केजरीवाल का अंदर कोर्टरूम में जाने से पहले कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। कल नवभारत के मंच पर एलजी ने कहा था कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। इसके अलावा क्या अंदर सुनवाई शुरू हो गई है पेशी के दौरान की? दोनों को लेकर अपडेट आपके पास हो तो। जी देखिए राकेश, थोड़ी देर में ही सुनवाई शुरू होगी, लेकिन आज एक बात बड़ी दिलचस्प होगी, दोनों पक्षों की जिरह। जहां एक तरफ हम देखेंगे कि किस तरीके से ईडी तमाम सबूत रखती है कि क्या कुछ अब तक की पूछताछ में ईडी के हाथ लगे हैं, और आगे जो रिमांड लेनी है उसको लेकर ईडी क्या कुछ बताती है कोर्ट में कि किस बेसिस पर उन्हें रिमांड चाहिए। वहीं जिस तरीके से हमने देखा था कि ईडी कस्टडी के दौरान दो आदेशों की बात सामने आई थी, उसको लेकर क्या ईडी कोर्ट में शिकायत करती है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो खुलासे की बात कही गई थी, क्या कुछ कोर्ट के साथ। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई शुरू हो गई है। जानकारी यह है जो पहले मिली थी सूत्रों के हवाले से कि ईडी एक बार फिर से रिमांड मांगेगी, अरविंद केजरीवाल की रिमांड, और अलग अलग तर्क दिए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा एक नोट भी तैयार किया गया है ईडी की ओर से। इस बीच बड़ी खबर यह है, दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश कर दिया गया है, सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। और जैसे क्या दलीलें दी जाती हैं ईडी की टीम की ओर से, वो हम आपके सामने रखेंगे। शिवानी का सीधे रुख करते हैं। शिवानी, बताइए क्या अपडेट है। देखिए, साफ तौर पर आज केजरीवाल के समर्थन में उनकी पत्नी और उनके कई सारे कलीग्स पहुंचे हुए हैं। 8 दिन की कस्टडी अभी भी ईडी के हाथों में है। कोर्ट कितने दिन की कस्टडी देती है, इसका पूरा आधार बैठेगा ईडी की दी गई उस रिमांड कस्टडी के आधारों पर कि आखिर केजरीवाल ने कितना कोऑपरेट किया है। जानकारी ईडी के सूत्रों से स्पष्ट हो गई थी कि अभी तक केजरीवाल ने मोबाइल के और कई अन्य आईडीज के पासवर्ड नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से उनकी इन्वेस्टिगेशन में अभी भी एक रुकावट बनी हुई है। इसी के अलावा केजरीवाल ने कई सारी चीजों के खुलासे नहीं किए हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग की जहां तक बात की जाए तो कविता के स्टेटमेंट के आधार पर भी केजरीवाल के साथ पूछताछ करने की कोशिश ईडी द्वारा की गई थी, जिसमें से कई सारी मीटिंग्स केजरीवाल की जानकारी के बाहर ऐसे बयान उन्होंने दिए थे। तो कुल मिलाकर कोऑपरेट न करने की जो एक बात है वो ईडी द्वारा रखी जाएगी। और इसी के अलावा जिस तरीके से अनुज भी जानकारी दे रहे थे, हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी द्वारा एक लेटर सभी के सामने पब्लिक डोमेन में रखा गया, लगातार उनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल के मैसेज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर संदेश किस जरिए से बाहर आ रहे हैं, किस तरीके से पूरी ईडी की कार्यवाही में दखल अभी भी केजरीवाल द्वारा जारी है, उनके परिवार और उनके कलीग्स द्वारा जारी है, जो कि इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करेगा, ये ईडी की दलीलें आज हो सकती है ज्यादा से ज्यादा दिनों की कस्टडी मांगने के लिए। और खासतौर पर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल द्वारा ये
पहले भी दावा किया गया था कि वो कोई बड़ा पुख्ता सबूत रखेंगे इस चीज को साबित करने के लिए कि ये एक षड्यंत्र के खिलाफ लोकसभा चुनाव में वो प्रचार न कर पाए, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो वो सबूत कौन सा होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, और क्या ईडी के पक्ष को इसकी जानकारी है या नहीं, क्योंकि पत्नी का पहुंचना, कलीग्स का पहुंचना सिलसिलेवार तरीके से सुबह से आम आदमी पार्टी की दो नहीं नहीं लेकिन 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 शिवानी एक एक और चीज पर नजर रहने वाली है, फिर मैं अनुज उसके बाद आपके पास आता हूं। लेकिन शिवानी कल ये कहा गया था, सुनीता केजरीवाल प्रेस के सामने आई थी, उन्होंने ये कहा था कि एक बड़ा खुलासा कोर्ट में करेंगे अरविंद केजरीवाल। कोई खुलासा होता है, कोई सच बताते हैं, कोई एलिगेशन लगाते हैं, क्या कहते हैं नहीं कहते हैं इस बात पर भी नजर रहेगी। इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए हालांकि ईडी द्वारा ये स्पष्ट किया गया है, अब तक उनके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि आखिर केजरीवाल द्वारे पक्ष में ऐसी कौन सी चीज रखी जाएगी। कोर्ट की अगर अमूमन हम बात करें तो दोनों पक्षों के पास जो भी सबूत हैं, जो भी लेटर्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं कोर्ट के समक्ष, वो उन्हें काउंटर पार्ट को भी बताना होता है, यानी कि ईडी की लीगल टीम को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर केजरीवाल की लीगल टीम क्या कोर्ट के समक्ष पेश करने वाली है, जिसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इसलिए कोई भी एक सरप्राइज एलिमेंट या सरप्राइज एविडेंस जो है वो केजरीवाल क्या रखते हैं, कोई लेटर हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई वर्बल जानकारी हो, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि केजरीवाल अगर अपना पक्ष रखने के लिए कायम हो पाएंगे तो किसी एक वर्बल स्टेटमेंट की जानकारी जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट साफ तौर पर दलीलों पर नहीं चलता, सबूतों पर चलता है, इसीलिए किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन के प्रेजेंट होने की फिलहाल गुंजाइश कम है, क्योंकि इस तक अभी तक ईडी के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, ईडी के वकीलों के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि सरप्राइज एलिमेंट्स में ये भी हो सकता है, क्योंकि परिवार के लोग हैं, कलीग भी हैं वहां पर मौजूद, तो कोई साफ तौर पर जिस तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, सरप्राइज एलिमेंट की एंट्री अमूमन बड़े केसेस में नहीं इंटरटेन की जाती है, और इसलिए केजरीवाल को ईडी की टीम को और कोर्ट को पहले से इत्तला करना होगा कि वो किस तरीके के दस्तावेज, स्टेटमेंट, सबूत रखने वाले हैं, जिसकी जानकारी है। जानकारी ये आ रही है कि ईडी की ओर से ये कहा गया है कि हमें केजरीवाल को कुछ लोगों से कन्फ्रंट कराना है, यानी क्रॉस क्वेश्चनिंग करानी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी की ओर से यह कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, अभी कुछ और लोगों से कन्फ्रंट कराना है, यानी क्रॉस क्वेश्चनिंग करानी है। इस बड़ी बड़ी खबर है, अंदर सुनवाई शुरू हो गई है और ईडी की ओर से दलीलें रखी जा रही हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई, आज रिमांड की अवधि समाप्त हो रही थी, समय सीमा समाप्त हो रही थी। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, जो जानकारी पहले हमने दी थी कि ईडी की ओर से क्या क्या दलीलें दी जा सकती हैं रिमांड बढ़ाने के लिए, कुछ उसी तरीके की बातें कहा यह गया है सबसे पहले कि सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं और अभी कन्फ्रंटेशन बाकी है। बिल्कुल, देखिए कोई भी जांच एजेंसी जब इस मामले में किसी की भी रिमांड लेनी होती है तो वो सबसे बड़ी दलील यही होती है कि जिस आरोपी की वो अपने रिमांड में रखे वो जवाब नहीं दे रहे, और ईडी ने भी यही कहा कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के दौरान जवाब सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। ईडी ने यह भी कहा कि हमारे पास जो डिजिटल डेटा हमको मिला है हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं। इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा है कि हमें कुछ लोगों से अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराना है। आम आदमी पार्टी के गोवा में चार जो कैंडिडेट्स थे उनके भी बयान रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं, उनसे भी अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराना है। और इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की रिमांड साफ साफ तौर पर ईडी ले जाना चाहती है, क्योंकि ईडी को इस जांच को है अभी आगे फिलहाल बढ़ाना है, और लगातार ईडी की तरफ से एसजी एसपी राजू और इसके अलावा जो वकील जोएब हुसैन है वो यहाँ पर पेश हो रहे हैं, और वहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील रमेश गुप्ता पेश हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार की सुनवाई में अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनकी पत्नी और उनका बेटा भी यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की सरकार के कुछ मंत्री भी यहाँ पर, मतलब नतीशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय भी मौजूद है। तो फिलहाल राउस एवेन्यू कोर्ट में जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी हो रही है, जहाँ पर उनकी और रिमांड दिए जाने की के लिए दलीलें दे रही है। गौरव, ये कहा गया है कि जानबूझकर सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, सीधे साधे जवाब नहीं दे रहे हैं और इस मामले को खींचा जा रहा है, कितने दिनों की कस्टडी मांगी गई है, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभी तुरंत की दलील में ईडी ने 7 दिन की रिमांड जो है वो अरविंद केजरीवाल की मांगी है,
और अरविंद केजरीवाल को पिछली जो रिमांड ली गई थी वो 6 दिनों की थी और अब जो है वो 7 दिनों की रिमांड मांगी गई है। एसजी एसपी राजू ने यह भी कहा है कि वो सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं और गोवा के आम आदमी पार्टी के 4 कैंडिडेट्स को समन किया गया था, उनके भी जो है बयान रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं। बड़ी खबर गौरव, मैं आपको रोकता हूँ, जो गौरव श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है राउस एवेन्यू कोर्ट में, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पेशी हो रही है। ईडी ने अब 7 दिनों की रिमांड और मांग दी है, पहले 6 दिन की कस्टडी में रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल, 6 दिन की कस्टडी आज समाप्त हो रही थी और अब आज पेश किया है ईडी की टीम ने और ईडी की ओर से एसजी राजू जो कि दलीलें रख रहे हैं, 7 दिनों की रिमांड और मांग ली गई है और ये कहा गया है कि जानबूझकर सवालों का सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, जो तर्क उनके सामने रखे जा रहे हैं ये भी ईडी की ओर से ये कहा गया है कि अभी उनका और कन्फ्रंटेशन कराना बाकी है, कुछ और उनके जवाब लिए जाने अभी बाकी है, अरविंद केजरीवाल से कुछ और सवाल किए जाने बाकी है। अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज 7 दिनों की रिमांड मांगी गई है ईडी की ओर से। जी बिल्कुल, जैसा कि हम पहले ही बता रहे थे कि ईडी जो है रिमांड की मांग करेगी क्योंकि जाहिर तौर पर ईडी की तरफ से साफ तौर पर ये सामने आया था कि अरविंद केजरीवाल जो है सवालों का सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, वो गोलमोल तरीके से बातों को रख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कोर्ट में भी ईडी की तरफ से बताया गया और 7 दिनों की रिमांड की मांग की गई है। साथ ही साथ ये भी ईडी की तरफ से बताया गया कि जो डिजिटल डेटा मिला है उसको एग्जामिन किया जा रहा है। जाहिर तौर पर ईडी अभी कुछ और तर्क अपना जो है वो कोर्ट के सामने रखेगी कि उसे कि क्यों रिमांड की जरूरत है। हालांकि कुछ बातें ईडी ने साफ तौर पर रख दी है कि कन्फ्रंट कराना है कुछ लोगों से, अभी इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल से कन्फ्रंट कराना है, इसलिए उन्हें रिमांड की जरूरत है। अनुज एक और जानकारी ये आ रही है, आप डिजिटल डेटा का जिक्र कर रहे हैं तो वो डिजिटल डेटा क्या जो अरविंद केजरीवाल के घर से मिला था। नंबर दो बात है, यह भी कहा गया है ईडी की टीम की ओर से कि मोबाइल का जो है वो पासवर्ड नहीं बता रहे, पहले ही हमने जानकारी दे दी थी कि 2 मोबाइल और उनके पासवर्ड नहीं बताए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से। जी बिल्कुल, जो तमाम डेटा जो है चाहे उनके घर की बात किया जाए या बाकी अरविंद केजरीवाल के फोन की बात किया जाए, इन तमाम चीजों से जो है उसको एग्जामिन फिलहाल किया जा रहा है। ईडी की तरफ से ये बात जरूर सामने आई थी कि सूत्रों के हवाले से कि वो अरविंद केजरीवाल जो है वो पासवर्ड नहीं बता रहे हैं अपने फोन का। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे फिलहाल कोर्ट के सामने ही। बड़ी खबर, राउत देवनी कोर्ट में ईडी की ओर से लगातार दलीलें दी जा रही हैं, 7 दिनों की रिमांड और मांग ली गई है और बड़ी दलील ये दी गई है कि अरविंद केजरीवाल मोबाइल का पासवर्ड ही नहीं बता रहे हैं। पहले ही हमने जानकारी ये दे दी थी कि किस तरीके से सी अरविंद के साथ जो है उनका कंसल्टेशन कराया गया है, इसके साथ ही मोबाइल का पासवर्ड मांगा गया, उस मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया है अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन अभी लगातार इंतजार इस बात का है जो कल अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रेस के सामने आई थी और उन्होंने ये कहा था कि 28 तारीख यानी आज अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा खुलासा करेंगे कि आखिरकार इस घोटाले का पैसा गया कहां है, क्या कुछ हेरा फेरी हुई है, क्या इस तरीके की कोई बातें अरविंद केजरीवाल की ओर से की जाएंगी, इस बात का इंतजार अभी बना हुआ है। लेकिन फिलहाल दलीलें ईडी की ओर से और ये 2-3 बड़ी बातें कही गई हैं, एक तो ये कि अभी कन्फ्रंटेशन बाकी है, नंबर दो ये कहा गया है कि सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, डिजिटल डेटा को अभी एग्जामिन किया जाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है इसको कराना इस पूरे केस के लिहाज से। और एक और बड़ी बात कही गई है, एक और बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बोल रहे हैं, तो क्या अगर कोर्ट में बोल रहे हैं तो कोई बड़ा खुलासा जिसका जिक्र सुनीता केजरीवाल कर रही थी, क्या उसके बारे में कोई जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया था जो अरविंद केजरीवाल का पक्ष है उनकी ओर से, ये कोर्ट की ओर से कहा गया कि वो कुछ कोर्ट में कहना चाहते हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस बात का इंतजार है। अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, कल उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रेस के सामने आई थी और उन्होंने ये कहा था कि कल कोई बड़ा खुलासा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने अब अदालत में बोलना शुरू किया है, ये पहली बार होगा इस पूरे मामले में कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में सीधे तौर पर यानी वकीलों के जरिए ना बात कहकर खुद वो पक्ष रख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको सुनवाया था कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, तो क्या अरविंद केजरीवाल जब बोलना शुरू कर चुके हैं तो इस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के बारे में इसको साबित करने की कोशिश करेंगे, या फिर वाकई जो पैसों की हेरा फेरी हुई है उसको लेकर कोई सबूत उनके पास है वो अदालत के सामने रखेंगे।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं ईडी का धन्यवाद करता हूं, ये केस 2 साल से चल रहा है। अब अरविंद केजरीवाल ने बोलना शुरू कर दिया है तो क्या एक एक बातें वो अदालत के अंदर रख रहे हैं वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अदालत में अरविंद केजरीवाल ने बोलना शुरू कर दिया है और सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मैं ईडी का धन्यवाद करता हूं, 2 साल से ये पूरा मामला चल रहा है। लेकिन इंतजार इस बात का कि अरविंद केजरीवाल आगे और क्या कहते हैं। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि मुझे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं पाया है। तो अभी तो ये मामला ट्रायल के फेज में है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन खैर इंतजार करते हैं अरविंद केजरीवाल और क्या कुछ कहते हैं। आप सभी कागजों का जिक्र कर रहे हैं, सभी कागजों को पढ़ेंगे तो पूछेंगे कि आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, यानी अपनी गिरफ्तारी पर उन्होंने सवाल उठाया है अरविंद केजरीवाल ने। उससे पहले उन्होंने कहा है कि मुझे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं पाया, ईडी और सीबीआई ने हजारों पन्नों की रिपोर्ट लगाई है और उन रिपोर्ट को अगर अदालत पढ़े तो अदालत ये पाएगी कि गिरफ्तार क्यों किया गया, यानी गिरफ्तारी ही गलत पाएगी। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल इस वक्त कोर्ट में बोल रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ईडी को धन्यवाद दिया और कहा उन्होंने कि ये केस 2 साल से चल रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आगे वो ये कह रहे हैं कि मुझे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं पाया है, ईडी और सीबीआई हजारों पन्नों की रिपोर्ट लगा चुकी है। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, और क्या बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, और बातें क्या कही अरविंद केजरीवाल ने और आपके पास जानकारी? क्योंकि अभी वो ये कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, अब तक जो रिपोर्ट लगाई गई उससे कहीं ये साबित नहीं होगा कि मेरी गिरफ्तारी की जरूरत थी। जी बिल्कुल, और कोर्ट ने पूछा कि ये सब बातें आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उस पर अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि वो कोर्ट में बोलना चाहते हैं। यानी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जो गिरफ्तार किया गया है वो गलत गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उनका ये कहना है कोर्ट में कि ईडी और सीबीआई ने हजारों पन्नों की रिपोर्ट लगाई लेकिन उन कागजों को पढ़ने के बाद आप पूछेंगे कि आखिरकार ये गिरफ्तारी क्यों हुई। जाहिर तौर पर इसे एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सिंपैथी जो है वो पाने की कवायद निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। लेकिन कोर्ट ने ये सवाल जरूर पूछा केजरीवाल से कि आखिरकार ये तमाम चीजें आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उनका ये कहना कि वो बोलना चाह रहे हैं। अब आगे अरविंद केजरीवाल क्या कुछ बोलते हैं, क्या कोर्ट जो है उन्हें आगे इजाजत देती है और बोलने की, या फिर जो तमाम बातें इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने बोली है उस पर कितना ध्यान देती है। लेकिन ईडी की तरफ से भी निश्चित तौर पर जानकारी ये भी आ रही है कि सी अरविंद के स्टेटमेंट का हवाला दे रहे हैं, उसको कोट करके कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सी अरविंद के आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो चुकी है। जी बिल्कुल, ईडी ने साफ तौर पे कोर्ट में ये कहा है कि उन्हें कन्फ्रंट कराना है, कुछ लोगों से कन्फ्रंट कराना है। ऐसे में जो तमाम आरोपी हैं इस पूरे मामले के जुड़े या जो गवाह हैं वो खास तौर पे अहमियत रखते हैं। खास तौर पे ईडी की तरफ से ये कहा गया कि एक व्यक्ति से कन्फ्रंट कराना है और ये पता करना है कि आखिरकार जो तमाम बातें अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो फिलहाल जो है कोर्ट में लगातार नहीं, अनुज मैं आपको रोक रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने आगे ये कहा कि अब तक मेरा नाम 4 जगह आया है, एक है सी अरविंद का वो जिक्र कर रहे हैं और सी अरविंद के स्टेटमेंट का, यानी जो उन्होंने बयान दिया है उसका उन्होंने हवाला दिया है। और ये उन्होंने कहा है कि सी अरविंद ने कहा है कि मेरी मौजूदगी में कुछ डॉक्यूमेंट सिसोदिया को दिए गए, मेरे घर बहुत विधायक आते हैं, किसी एक ऐसे बयान पर क्या सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है? सी अरविंद, जिनको ये माना जा रहा है कि इस पूरे केस में उनकी गवाही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। अनुज जी बिल्कुल,
अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कहा है कि सी अरविंद का वो बयान जिसमें ये कहा गया था कि वो जब अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे थे उस दौरान अरविंद के मनीष सिसोदिया ने उन्हें ड्राफ्ट कॉपी जो है वो एक्साइज पॉलिसी की दी थी, ऐसे में उनका ये दलील देना है कि मेरे घर पे तमाम लोग आते हैं, कई MLA आते हैं, वो क्या कुसुर पुसुर करते हैं उसे उसके बारे में उन्हें क्या पता। तो ऐसे में उनका सवाल यही है कि क्यों इस बेसिस पे क्या मुझे गिरफ्तार करना चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो हैं बता रहे हैं। अब केजरीवाल जो हैं मगुंटा के बयान के बारे में भी बोल रहे हैं और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि अब तक मेरा नाम 4 जगह आया है। एक है सी अरविंद जिसने कहा कि उसने मेरी मौजूदगी में कुछ डॉक्यूमेंट सिसोदिया को दिए, मेरे घर बहुत विधायक आते हैं। किसी एक ऐसे बयान पर क्या सिटिंग CM को गिरफ्तार कर सकते हैं? निश्चित तौर पर केजरीवाल की तरफ से अब नहीं, लेकिन अनुज मैं एक चीज जानना चाहता हूं क्योंकि ये भी कहा गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से, आप जो जिक्र कर रहे हैं उसके अलावा ये भी कहा गया है कि ईडी के दबाव में लोग गवाह बन रहे हैं, बयान बदल रहे हैं, ईडी ने हालांकि इसका विरोध किया है। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो भी बातें अरविंद केजरीवाल की ओर से कही जा रही है क्या इसका आज की सुनवाई पर कोई असर पड़ने वाला है? क्योंकि आज तो रिमांड की बात है, किसी गवाह की गवाही सही है या गलत है ये ट्रायल में तय करेगा कोर्ट, ये आज मेरे हिसाब से शायद तय नहीं होगा। जी बिल्कुल, इसका असर पड़ना भी नहीं चाहिए कि कोर्ट जो है वो दलीलों और सबूतों पर यकीन रखती है, सबूत क्या पेश किया जाता है और उस सबूत के आधार पर क्या दलील पेश की जाती है इस पर सब कुछ निर्भर करता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी पैरवी खुद करने की कवायद जरूर कोर्ट में की जा रही है। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर यह निर्देश दे दिया है कि 5 मिनट का ही वो वक्त अरविंद केजरीवाल को दे सकते हैं बोलने का, इसके अलावा नहीं दे सकते। लेकिन बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये लगाया गया कि ईडी के दबाव में कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो गवाह बन रहे हैं, ये बड़ा आरोप है। हालांकि ईडी ने इसका साफ तौर पे विरोध किया क्योंकि जिस इस वक्त की बड़ी खबर कोर्ट में केजरीवाल का एक और बड़ा बयान, ईडी का एक ही मकसद है मुझे फंसाना। अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कही हैं, लेकिन अभी भी इंतजार है कि जो कल सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि कोई बड़ा सबूत रख देंगे कि आखिरकार इस शराब घोटाले का पैसा कहां गया, वो सभी सबूत अभी तक तो अरविंद केजरीवाल ने अदालत के सामने नहीं रखा है। दो नाम उन्होंने जरूर लिए हैं, सी अरविंद का नाम उन्होंने लिया है और मगुंटा का नाम उन्होंने लिया है, उनके स्टेटमेंट का हवाला दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 4 जगह मेरा नाम आया, लेकिन जो बयान दिए गए उस बयान से कहीं ये साबित नहीं हो सकता है कि मेरी गिरफ्तारी की जरूरत क्या थी। एक सिटिंग CM को गिरफ्तार कर दिया गया, वो आरोप ईडी पर लगा रहे हैं कि ईडी उन्हें फंसाना चाहती है। ये आरोप खुद अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में चल रही है वो बार बार ये आरोप लगाती रही है कि ईडी के जरिए अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश हो रही है, उन्हें चुनावों से दूर रखने की कोशिश हो रही है। तो सवाल ये उठता है अनुज कि आज अरविंद केजरीवाल ने अभी तक नया क्या कहा, क्योंकि उस बात का इंतजार है जो कल सुनीता केजरीवाल दावा कर रही थी कि कोई बहुत बड़ी सनसनी मचाने वाली जानकारी कोर्ट के सामने वो रख देंगे, बता देंगे कि ये पूरा पैसा गया कहां है। जी देखिए, फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि 7 बयान में से 6 बयान में मेरा नाम नहीं आया है, लेकिन जैसे ही 7वें बयान में मेरा नाम लिया गया गवाह को छोड़ दिया गया है। यानी साफ तौर पे एक और आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाया गया है। लेकिन अगर हम पीछे की सुनवाई भी देखें, चाहे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी को रोक को लेकर उनके वकील जो है कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे, या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से हाईकोर्ट में हमने देखा दलील दी गई, वो करीब करीब तमाम दलीलें जो हैं वो मिलती हुई नजर आ रही हैं। जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, आपके पास आता हूं, शिवानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है राहुल रेवन्यू कोर्ट से। शिवानी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सिर्फ 4 बयानों के आधार पर एक CM को गिरफ्तार कर लिया गया, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर यह आरोप लगा रहे हैं जिसको लेकर ईडी ने ऑब्जेक्ट भी किया है कि वो इस तरीके से एजेंसी पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईडी का मकसद है मुझे फंसाना। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर 100 करोड़ का घोटाला है तो घोटाले का पैसा कहां गया है, ये सारी बातें। लेकिन अभी भी उस सबूत का इंतजार है जो अरविंद केजरीवाल देंगे बकौल सुनीता केजरीवाल, जो उन्होंने कल प्रेस के सामने कही थी। बिल्कुल,
बिल्कुल राकेश, यही चीज हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आखिर केजरीवाल ऐसा क्या सबूत रखेंगे, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी कि वो कोई वर्बल स्टेटमेंट ही रख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज, कोई लेटर अगर वो रखेंगे तो उनको वो ईडी के वकीलों को और ईडी की टीम को जानकारी देनी होगी, जिसके लिए ईडी की टीम ऑलरेडी प्रिपेयर हो सकती है। एक और बड़ी खबर है, शिवानी, लगातार अपडेट कोर्ट रूम से, राहुल रेवेन्यू अदालत से, कोर्ट से। वहां पर अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं और पूछा है उन्होंने कि अगर 100 करोड़ का घोटाला है तो घोटाले का पैसा कहां गया। दरअसल घोटाला तो एड की जांच के बाद शुरू होता है। अरविंद केजरीवाल आगे भी एक और उन्होंने नाम दिया है, एक और बड़ी खबर, शरद रेड्डी का नाम लिया है, जो अक्सर आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, मीडिया चैनलों पर डिबेट में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका लगातार जिक्र कर रहे हैं। शरद रेड्डी का नाम लिया है अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने ये पूछा है कि 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया है, ये मनी ट्रेल साबित है, ये बस आपको क्रश करना चाहते हैं, दूसरी तरफ एक्सट्रॉशन कर रहे हैं। यानी एक तरीके के जो एलिगेशन है वो अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाए जा रहे हैं, अभी तक कोई सबूत की चर्चा नहीं की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम में बोल रहे हैं और उन्होंने आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। इससे पहले उन्होंने आरोप ईडी पर लगाया कि अगर 100 करोड़ का घोटाला है तो घोटाले का पैसा कहां गया, जबकि ईडी ने अपनी रिमांड में यह कहा था कि भाई ये पैसा कैसे चेन्नई से दिल्ली आता है, दिल्ली से किस तरीके से गोवा के चुनावों में पैसा पहुंचाया गया, ये सब कुछ मनी ट्रेल साबित है और ये वो अदालत में ट्रायल के दौरान साबित कर देगी। तो शिवानी, ये सीधा सा सवाल है कि ईडी ने पहले दिन अपने रिमांड नोट में कहा था कि भाई पैसा साउथ से दिल्ली आता है, दिल्ली से गोवा जाता है, इसका बाकायदा सबूत उनके पास है, इस मनी ट्रेल का ये वो साबित कर देंगे। इस पर अरविंद केजरीवाल क्वेश्चन कर रहे हैं और शायद ट्रायल से पहले वो ये कोर्ट में साबित करना चाहते हैं कि ये सब कुछ उनके खिलाफ साजिश है, और कमोबेश वही बातें जो आम आदमी पार्टी के नेता, उनके मंत्री, उनके प्रवक्ता मीडिया चैनलों में या प्रेस के सामने कर रहे हैं। बिल्कुल, इस चीज पर आकेश हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि अब आज रिमांड की बात है, इसके बाद हो सकता है कि वो सीधे न्यायिक हिरासत में चले जाए। केजरीवाल के पास ऐसा एक बड़ा मौका है जहां पर वो पब्लिक स्टेटमेंट दे सकते हैं, उन्हें पता है कि वो लोकसभा के न प्रचार कर पाएंगे न भाषण कर पाएंगे, तो भाषणों की जो स्क्रिप्ट है वो केजरीवाल ने जेल में बैठकर जरूर तय की थी, जिसका खुलासा वो फिलहाल यहां पे कोर्ट रूम में कर रहे हैं और दिल्ली की जनता तक एक एक करके मैसेज नाम के जरिए पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर घोटाले का पैसा कहां गया। और बड़े बड़े स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि शरद रेड्डी ने बीजेपी को 50 करोड़ रुपए दिए, मेरे पास ये सबूत है कि ये रैकेट कैसे चल रहा था। केजरीवाल ने ये भी बताया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद भी ये जो पैसे का रैकेट है वो चल रहा है, सबूत केजरीवाल के पास है। हालांकि एक वर्बल स्टेटमेंट है, इसको लेकर जो सबूत देने चाहिए वो सबूत अभी तक नहीं है। गौरव श्रीवास्तव अंदर से जानकारी दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईडीवाल ने केजरीवाल के विरोध का, ईडी ने विरोध किया है केजरीवाल के स्टेटमेंट का, और ईडी ने कहा है कि से जुड़ी हुई कोई भी बात केजरीवाल तक नहीं रही है। तो आखिर केजरीवाल को इतनी इनसाइड इन्फॉर्मेशन कैसे पता है? इन्वेस्टिगेशन पे जहां तक सवाल उठाने की बात है, तो हर अमूमन तौर पर कथित तौर पर जो आरोपी होते हैं वो जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हैं। केजरीवाल ने ये पहले भी कहा था कि एक षड्यंत्र है उनके खिलाफ, राजनीतिक दबाव में आकर, ईडी के दबाव में आकर जो लोग हैं वो ईडी के पक्ष में स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसमें केजरीवाल का भी नाम लिया गया है। लेकिन सीधे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर, ईडी पर, कि पैसे इकट्ठे कर रही है, एक्सटॉर्शन चला रही है। कोर्ट में केजरीवाल का ईडी पर बड़ा आरोप, जिसको लेकर ईडी ने ऑब्जेक्ट भी किया है कि इस तरीके से प्रोबिंग एजेंसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, केजरीवाल ने शरद रेड्डी का नाम लिया, बीजेपी को पैसा देने की बात कही और ये कहा कि बीजेपी को पैसा देने के बाद जमानत मिल गई है। ईडी ने केजरीवाल के बयान का विरोध किया है, ईडी ने कहा है कि रिमांड से जुड़ी हुई कोई बात अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। जो मैं थोड़ी देर पहले अनु से चर्चा कर रहा था कि क्या ये बातें आज के दिन में मैटर करेंगी क्या, क्योंकि आज तो रिमांड बढ़े नहीं बढ़े, क्या स्थिति हो, इसको लेकर आज कोर्ट में पेश किया गया अरविंद केजरीवाल को, तो आज इन बातों का कोई मतलब है? ये बातें तो ट्रायल के फेज में शायद ज्यादा मुमकिन हो। यह भी पूछा है अरविंद केजरीवाल ने कि आखिरकार शराब घोटाले का पैसा, 100 करोड़ का जो आरोप लगाया जा रहा है, वो कहां गया। जस्टिस संजीव खन्ना का ऑर्डर है जिसमें कहा गया है कि ये सारी चीजें अभी डाउट के दायरे में है, संदेहास्पद है। जो रिश्वत की बात कही गई वो संदेहास्पद है। एक और बड़ी बात कही गई अरविंद केजरीवाल से कि अरविंद केजरीवाल की ओर से कि मैं ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहा हूं, ये चाहे तो जितने दिन मुझे रख ले, लेकिन ये घोटाला है। अब ये एक अलग तरीके की दलील। अनुज, आज तो अरविंद केजरीवाल, उनके वकीलों को ईडी की रिमांड का विरोध करना चाहिए था। शायद कल जिस तरीके से रिमांड को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, तो उन्हें लगा कि शायद उनकी दलीलों में दम नहीं है, इसलिए आज रिमांड का सीधे विरोध न करके जो पॉलिटिकल एलिगेशंस या फिर जो बातें शायद ट्रायल के फेज में ज्यादा मुफीद हो, उनकी चर्चा आज की जा रही है।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और यही बात है कि ईडी ने भी इसका विरोध किया। ईडी का साफ तौर पे कहना है कि रिमांड से जुड़ी हुई बातें अरविंद केजरीवाल नहीं कह रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं और आरोप जांच एजेंसी पे लगा रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि जांच एजेंसी एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही है। यानी एक बड़ा आरोप कह सकते हैं जो कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाया जा रहा है। शरद रेड्डी का नाम लिया जा रहा है, बॉन्ड की कॉपी कोर्ट के सामने देने की बात जो है वो कही जा रही है। और अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि उनके पास सबूत है, शरद रेड्डी को जमानत तब मिली जब बीजेपी को पैसे दिए। ऐसा आरोप कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जहां तक कोर्ट की बात की जाए, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट को इन तमाम बातों का कोई असर जो है वो पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट जो है वो सबूतों पर नहीं। अनुज, एक और बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी की ओर से इसका काउंटर किया जा रहा है और ये कहा गया है कि जो बातें शरद रेड्डी को लेकर कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनका इससे क्या लेना देना। हम तो यहां पर लिखकर स्कैम पर चर्चा कर रहे हैं। उस मामले में अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लिया गया है, जो मैं सवाल आपसे थोड़ी देर पहले किया जा रहा था कि यह सवाल लिखकर स्कैम को लेकर है, यह रिमांड लिखकर स्कैम को लेकर है, उसको लेकर ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। बॉन्ड का बिल्कुल अलग मसला है, तो क्या यह मान ले। इस बीच एक और बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है, ईडी की ओर से यह कहा गया कि केजरीवाल जो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक कल्पना मात्र है, वो अपने हिसाब से अपनी बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने रिश्वत ली है और ये मनी ट्रेल है कि कैसे पैसा साउथ से आया है, दिल्ली आता है, दिल्ली से पैसा आता है, गोवा के इलेक्शन में उसका इस्तेमाल किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अनुज, तो क्या ये मान लें कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की एक ही स्ट्रेटजी है कि भाई आप लिकर स्कैम पर बातचीत करेंगे, वो बॉन्ड पर उसे लेकर आएंगे, जबकि ये दोनों मामले बिल्कुल अलग है। जी बिल्कुल, ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो ईडी की दलील है उसको गुमराह करने की कवायद अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर ईडी का भी साफ तौर पर यह कहना है कि बात अरविंद केजरीवाल आज की रिमांड पर नहीं कर रहे हैं, जबकि ईडी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि पैसे जो है रिश्वत के तौर पर लिए गए और वो पैसे हवाला के जरिए गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल हुए, इसके सबूत कहीं ना कहीं ईडी के पास है, जिसका दावा ईडी लगातार करते आई है। तो निश्चित तौर पर इस बात का सही से जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से या उनके वकील की तरफ से कहा जा सकता है कि नहीं दिया जा रहा है, बल्कि अब अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कोर्ट के सामने ये कहा, आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए, खासतौर पे जांच एजेंसी पर आरोप लगाए गए, इतना ही नहीं बीजेपी पर आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि किस तरीके से ईडी का मकसद जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खत्म करने का है और दूसरा मकसद जो है वो एक्सटॉर्शन करने का है। ये बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाया गया, जिसके बाद ईडी ने साफ तौर पर ये कहा कि जो पैसे हैं वो रिश्वत के तौर पर लिए गए हैं। ईडी ने अभी फिर बयान दिया और ईडी ने कहा कि जिस पैसों की बात बीजेपी को दिए जाने का आप केजरीवाल लगा रहे हैं, उसका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई साठगांठ रिश्वत का मामला नहीं है, केजरीवाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये बड़ी बात ईडी की तरफ से कोर्ट में कही जा रही है कि जो आरोप लगा रहे हैं वही बात जो राकेश आप जिक्र कर रहे थे कि लीकर पॉलिसी को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं बातों को घुमाने की कवायद की जा रही है। अब ईडी ये कह रही है कि हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी। बड़ी बात यहाँ पर अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि ईडी ने कहा कि उनके पास सबूत है, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के सबूत है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। तो बड़ी बात जो है वो अब ईडी की तरफ से कही जा रही है। अगर किसी पर दबाव बनाकर बयान लिया गया है तो ट्रायल से जुड़ा हुआ मामला है। निश्चित तौर पर ईडी की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर किसी पर दबाव बनाकर उसे गवाह बनाया गया तो ये ट्रायल का मामला। निश्चित तौर पर अनुज, मैं आपके पास आता हूं, एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बताएं। अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने ये कहा है कि 100 करोड़ की रिश्वत मांगी गई है अरविंद केजरीवाल की ओर से।
और इस बात के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी उसके पास ईडी के पास पक्के सबूत हैं कि किस तरीके से 100 करोड़ की रिश्वत मांगी गई है। यह भी ईडी की ओर से कहा गया कि जिस पैसे की बात बीजेपी को दिए जाने का केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं उसका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग तरीके का मामला है। इसमें कोई साठ गांठ का मामला नहीं है, केजरीवाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और 100 करोड़ की रिश्वत उन्होंने मांगी है, इसके सबूत ईडी के पास है। ईडी ने आगे ये भी कहा है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि किसी पर दबाव बनाकर बयान लिया गया तो ये ट्रायल का मामला है। आज रिमांड पर बहस हो रही है, हमें और 7 दिनों की रिमांड चाहिए, तो आज इसको तर्क के तौर पर कोर्ट के सामने रखने का क्या मतलब है, क्योंकि इसकी चर्चा तो ट्रायल में हो जाएगी कि फला भी व्यक्ति का बयान सही है गलत है या फिर दबाव बनाकर बयान लिया गया है। ईडी की ओर से यह भी कहा गया है कि केजरीवाल ने बड़े बड़े वकीलों को सुनवाई के लिए लगा रखा है, ये सुविधा क्या हर आदमी के पास होती है, क्या हर आम आदमी के पास क्या ये सुविधा होती है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कोर्ट में ईडी का बड़ा दावा, केजरीवाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं और उसके पास सबूत है। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है, शिवानी ये बड़ी बात ईडी की ओर से कही गई है, एक तो कि भाई 100 करोड़ का सबूत है, किस तरीके से मनी ट्रेल है, गोवा तक कैसे पैसा पहुंचा है, और अगर ये कहा भी जा रहा है कि अगर किसी पर दबाव बनाकर बयान लिया गया तो ट्रायल में आइए इसे साबित करिए, कोर्ट उसे देखेगा। बिल्कुल, देखिए ट्रायल से जुड़े हुए बड़े बड़े सवाल जो हैं वो केजरीवाल ने खड़े किए, और जहां तक बात है 100 करोड़ रुपए की तो ईडी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके पास सबूत है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, रिश्वत की मांग की थी। और अगर हम इस पूरी मनी ट्रेल, इस पूरे केस की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में जो अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं और हाल ही में गिरफ्तार हुई कविता किरदार है वो उसी साउथ लॉबी से जुड़े हुए हैं जिसने ये 100 करोड़ की राशि जो है वो आम आदमी पार्टी को दी, और बाकायदा इस एक्साइज पॉलिसी की मेकिंग में भी, उसकी बनावट में भी मौजूद रही, एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका रहा। और इसीलिए अब जब अरविंद केजरीवाल के वकील ने अपना पक्ष रखने की बात कही तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आपके खुद के क्लाइंट यानी कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रख दी है और इसीलिए पहले ईडी की पूरी बात सुनी जाएगी। तो स्पष्ट है कि अगर ईडी बात कर रही है तो ईडी के पास स्टेटमेंट्स है। ठीक है अनुज, अब अरविंद केजरीवाल की ओर से एक वकील रमेश गुप्ता भी आ गए हैं सामने और वो जो एसजी राजू ने बातें कही है उसको काउंटर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और इसी कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि आपके क्लाइंट जो हैं वो ऑलरेडी बोल चुके हैं, उस पर जो रमेश गुप्ता हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मेरी दलील रखने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, बोलने से कैसे रोका जा सकता है, पूरे एक घंटे तक मैं अपनी दलील रखूंगा, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता का। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपनी पैरवी, एक तरीके से कहा जा सकता है खुद ही अरविंद केजरीवाल ने तमाम आरोप लगाए, उसके बाद कोर्ट का साफ तौर पर यह कहना था कि आपके जो क्लाइंट है वो पहले ही बोल चुके हैं, पहले ही अपनी बातें जो हैं वो रख चुके हैं, उसके बाद भी जो रमेश गुप्ता हैं उन्होंने बोलने की इजाजत मांगी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कैसे उन्हें रोका जा सकता है, अभी वो अपनी दलीलें कोर्ट के सामने पेश करेंगे। निश्चित तौर पर जैसा कि हम जिक्र राकेश पहले ही कर रहे थे जब सुनवाई से पहले कि आज की जो जीरा है, जो दलीलें हैं वो बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से खुलासे की बात कही गई थी और हमने देखा कि तमाम आरोप जो हैं वो लगाए गए, वहीं दूसरी तरफ अब ईडी की तरफ से भी तमाम बड़ी बातें जो हैं वो कोर्ट के अंदर रखी गई कि कैसे जो मनी ट्रेल है उसके सबूत ईडी के पास है, 100 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर लिए गए उसके सबूत ईडी के पास है, साथ ही साथ पैसा जो है वो गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ, अरविंद केजरीवाल कोई आम आदमी नहीं है, बड़े बड़े वकील अरविंद केजरीवाल ने हायर कर रखे हैं, ये तमाम बातें जो हैं वो कोर्ट में ईडी की तरफ से रखी गई। वहीं अब रमेश गुप्ता जो हैं वो इजाजत मांग रहे हैं। नहीं अरुण, एक और बड़ी दिलचस्प बात ईडी की ओर से कही गई है और ये बातें हम पिछले काफी लंबे समय से जब से ऑपरेशन शीश महल चला था तब से कर रहे हैं कि एक आम आदमी का राजनीति का दावा करने वाली पार्टी के पास क्या इस तरीके की सुविधाएं हो सकती हैं, क्या वो शीश महल खड़ा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो बातें हम करते रहे हैं। लेकिन आज ईडी ने कहा है कि भाई केजरीवाल ने बड़े बड़े वकीलों को सुनवाई के लिए लगा रखा है, ये सुविधा हर आदमी के पास नहीं होती है। आता हूं मैं आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर अदालत ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है, अब से थोड़ी देर बाद फैसला आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑर्डर रिजर्व है राउस रेवेन्यू कोर्ट का।